अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज बकरा ईद स्पेशल में मैं आपके सामने लेके आई हूँ मटन टिक्का बोटी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी मटन टिक्का बोटी की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। अगर सबसे पहले मेरे चैनल पर न्यू है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मटन टिक्का बोटी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 kg बोनलेस मटन ले लिया है। इसे अच्छे से धो करके पूरा इसका पानी जो ड्राई कर लिया है। तो अब एक प्रेशर कुकर ले लेंगे हम और उसमें जो हमारा मटन है वो डाल देंगे। तो सारा मटन हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए अच्छे से ये ड्राई हो चुका है, अच्छे से वॉश हो चुका था। तो देखिए अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की रफली चॉप की हुई प्याज, और 1 नींबू का रस डाल देंगे। आप नींबू के रस के बदले 1 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैं 1 कप पानी डाल दूंगी। अगर आपके पास कप का मेजरमेंट नहीं है तो आप छोटा वाला 1 ग्लास पानी का भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मटन के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब प्रेशर कुकर का जो हम ढक्कन है वो लगा देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे, यानी कि लो भी नहीं और हाई भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे हम 5 से 6 विसल आने तक इसे कुक करेंगे। तो जब तक हमारा मटन कुक हो रहा है तब तक हम आगे की प्रोसेस करेंगे। उसके लिए एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच डाल देंगे बेसन, और बेसन को अच्छे से हम भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेसन को मैं लो फ्लेम पे जो है हल्का हल्का भून लूँगी। जब तक इसकी अच्छी सी स्मेल बेसन की आने नहीं लगती तब तक मैं इसे भूनूंगी। तो देखिए बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है। तो बस 2 से 3 मिनट भूनना है, फिर हम इसे साइड में रख देना है। और यहाँ पे हमारा मटन भी कुक हो चुका है तो इसकी जो प्रेशर है वो भी निकल चुकी है। तो अब इसका ढक्कन खोलते हैं और देखिए अच्छे से ये कुक हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी अभी भी बचा है। तो हम गैस का फ्लेम जो है वो वापस से ऑन कर देंगे और इसे हम जो पूरा पानी है वो एकदम से पका लेंगे, यानी कि जो पानी है पूरा ड्राई कर लेना है। हमें सिर्फ हमारी जो बोनलेस बोटियाँ है वही रखनी है, सारा पानी जो है वो हमें ड्राई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा जो पानी है एक्स्ट्रा वो जल चुका है, यानी कि जो मटन है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस इसी स्टेज पे जो है हम गैस को हाई करके 1 मिनट के लिए इसे सोटे करके फिर गैस को जो है वो बंद कर देंगे, यानी कि गैस को फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मटन हमारा रेडी हो चुका है, तो थोड़ी देर से ठंडा करने देते हैं। तब तक के लिए एक बाउल ले लेंगे, उसमें जो हमने बेसन को जो है वो सेक के रखा था, यानी कि भून के रखा था, वो डाल देंगे। 1 चम्मच उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला, फिर डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 2 चम्मच डाल देंगे हम मटन मसाला, और फिर चुटकी भर डाल देंगे हम तंदूरी फूड कलर, और फिर लास्ट में 1 नींबू का रस डाल देंगे। यहाँ पे भी आप नींबू के रस के बदले 1 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, और 1 चम्मच के करीब मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी। तो देखिए सारे जो इंग्रेडिएंट्स है हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अभी भी ड्राई है तो इसमें हम कर लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड। तो पानी हम बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक, और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत हुई तो फिर थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, वरना इससे भी मिक्स हो जाएगा। तो देखिए हमारा बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हमने हमारी जो मटन बोटी तैयार करके रखी हुई है वो डाल देंगे। सारी जो हमने बोटी को रेडी किया है वो सारी बोटियाँ इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो देखिए मटन में जो है वो अच्छे से मसाला लगने लगा है। तो देखिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप चाहे तो इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं, आप जब चाहे तब इसे फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे तुरंत ही फ्राई करने वाली हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल ही फ्राई करने के लिए रेडी है। तो अब एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच के करीब मैं डाल दूंगी यहाँ पे बटर।
अगर आप बटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो हम इसे सोलो फ्राई करने वाले हैं, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन सोलो फ्राई करने से भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो यहाँ पे जब हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, फिर इसमें हमारी जो टिक्का बोटी हमने रेडी की है तो वो डाल देंगे। तो अब इसे हम हाई फ्लेम पे ही जो है वो फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम एक बार पलट लेंगे। तो देखिए एक साइड से जो है वो अच्छे से ये फ्राई होने लगा है, इसका कलर भी जो है वो चेंज होने लगा है। तो इसी तरह से सारे जो हम बोटी है उसको हम पलट देंगे। तो सारी टिक्का बोटी को पलटने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए जो है वो हाई फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी जो मटन टिक्का बोटी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, एकदम से क्रिस्पी लगती है और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर कोई भी गेस्ट अचानक से आपके घर पे आ जाएगा तो आप ये मटन टिक्का बोटी की रेसिपी बनाएंगे स्टार्टर में, तो सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी मटन टिक्का बोटी जो है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी मटन टिक्का बोटी जो है वो रेडी हो चुकी है, इसे मैंने सर्व भी कर दिया है शेजवान चटनी प्याज और नींबू के साथ। और इसे और चटपटा करने के लिए यहाँ पे मैंने ऊपर से चाट मसाला डाल दिया है, जिससे टेस्ट जो है इसका बहुत ही बढ़िया आता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी मटन टिक्का बोटी की बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी से एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।